Assalamu alaikum. Good morning, children. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 2. And today our subject is GK. And our topic is chapter number 7, Traditional Dresses. तो बेटा ये जो चैप्टर है हमारा वो आपकी चेरी बुक में पेज नंबर 204 पर हमें पहले मैं आपको बताती हूँ कि हर एक का अलग अलग कल्चर होता है. जैसे हमारे गुजरात में कैसे कपड़े पहनते हैं, महाराष्ट्र में कैसे कपड़े पहनते हैं, तमिलनाडु में, कश्मीर में, नागालैंड, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगह पर कैसे कैसे उनके अलग अलग ड्रेसेस होते हैं. आपको पता है ना बेटा कि हर एक अलग अलग सबका कल्चर होता है. तो हमारा गुजरात का भी कल्चर अलग है, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर ड्रेसेस होते हैं, जिससे हमें पता ही चल जाता है कि ये स्टेट का है ना बेटा. तो आज मैं यही वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगी पिक्चर्स के थ्रू कि कौन क्या है और उनके से कैसे पहचानेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है वो किसकी है. तो देखो यहाँ पर पिक्चर है कश्मीर का. आपने कभी कश्मीर गए हो, जो नहीं गए हैं पर हमने मूवीज़ में भी देखा है. तो ये कश्मीर के जो है, कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रेस है. इससे हमें पता चल जाता है कि ये कश्मीर के लोग हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका. ओके, तो ये हुआ कश्मीर. नेक्स्ट देखो ये पिक्चर में आपको देखा है महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र का है, देखो इसने कैसे साड़ी पहनी हुई है. ये जो मेल है उन्होंने कैसा पहना हुआ है, इन्होंने साड़ी ग्रीन कलर की पहनी हुई है. तो ये महाराष्ट्र, मराठी लोग ऐसा पहनते हैं, तो ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है. नेक्स्ट देखो वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में देखो ये वाइट कलर के ऐसे मेल जो लोग होते हैं वो ऐसे वाइट पायजामा और ऐसे वो रखते हैं, और लेडीज़ ऐसे साड़ी पहनती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वेस्ट बंगाल का है. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट देखो ये कौन से इसका है, तो ये पंजाब का है. सॉरी, आई वॉज जस्ट राइट हियर. ये है पंजाब के लोग हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पंजाब है, PUNJAB. ओके, तो ये पंजाब के लोग हैं, तो उनके ट्रेडिशनल पे से हमें पता चल जाता है कि ये पंजाब से है. ओके, केरला में देखो ये ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो उनका ये है, जिससे हमें पता चल जाता है वाइट ये लोग ऐसे पहनते हैं, और जो फीमेल जो होती है वो हेयर में गजरा लगाती है. ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये केरला के लोग हैं. तो ये हुआ केरला का. नेक्स्ट देखो गुजरात. तो देखो यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस, ये हम कहाँ पर रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं. तो देखो आपको ये फ़ोटो वैसे पता चल जाता है ये गुजरात के लोग. देखो इसने चनिया चोली पहनी है, और इस ये बंदे ने देखो कैसा कफनी पाजामा पहना है, और ऊपर से उसने दुपट्टा भी डाला हुआ है ना. तो ये सारी पगड़ी पहनी हुई है, और कैसे इसने टीका लगाया है ना. तो ये है गुजरात का ट्रेडिशनल ड्रेस, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये स्टेट के लोग है. ओके, नेक्स्ट देखो ये लोग है नागालैंड. ये लोग का देखो अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेस होता है. नागालैंड के लोग कैसे पहना है, देखो इसने यहाँ पर ये जो फीमेल है उसने यहाँ पर स्कर्ट पहना हुआ है, ऊपर टी शर्ट जैसा पहना हुआ है. उसके देखो कॉस्ट्यूम भी कैसे, ये लोग ने कैसे ज्वेलरी भी पहनी हुई है. देखो ये मेल जो है उसने भी कैसा सब पहना हुआ है, देखा बेटा आप सब ने. तो ये है नागालैंड के लोग, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये नागालैंड के स्टेट से है. ओके, नेक्स्ट देखो तमिलनाडु के लोग, देखो कैसा पहना हुआ है इन्होंने. इन्होंने देखो ये जो मेल है उन्होंने गले में माला पहनी हुई है, और नीचे कफनी जैसा पहना हुआ है, और ये ऐसे रुमाल डाला हुआ है. और जो ये लेडीज़ है उसने देखो कैसा पहना है, साड़ी पहनी है, ऊपर से उसको ऐसे कवर किया है. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये तमिलनाडु के स्टेट से है. तो ये हमारा हुआ ट्रेडिशनल ड्रेसेस. तो समझ में आया बच्चों आप सबको, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके पूछना है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.